तो ये सब क्या है? ये सब लाशें किसकी है? चलो इसकी खबर तो हम पुलिस को देंगे। चलो नहीं 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 ऐसा मत करो। देखो लगता है कुछ आ रहा है। हो गया आप इसको बंद करो। चलो ए रो रुक यहीं पे रुक जा। कौन हो तुम लोग? बातें कम कर काम ज्यादा करो। तेरी जेब में जितने भी रुपए सब निकल गए। तुमसे कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुम लोगों को? पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। वो नहीं होगी स्टिक देख रहा है ठीक है। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को ठीक है। पैसे वैसे मत दे लेकिन तूने जो ये घड़ी पहनी है वो हमें दे दे। अबे तू तो घड़ी को घूर ही जा रहा है। चल घड़ी हमें दे दे। लगता है तू ऐसा नहीं समझेगा। तेरे को बिताना ही पड़ेगा। ये तो भाग गया। कोई बात नहीं ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो चलते। घड़ी को शेप करने होगा। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की आखिरी निशानी है। एक आइडिया है बड़ी क्वेश्चन करने का। बच के कहाँ जाएगा? यही कहीं पे छुपा होगा। ढूंढो। अबे कहीं शर्ट या पैंट में छुपा के रखी हो? घड़ी को मार गोली। वॉलेट में ढेर सारे पैसे हो गए। बहुत बढ़िया।
कौन तुम? तुमने यहाँ पर कैसे आए? अरे तुम उठ गए? मैं रास्ते पे जा रहा था और मैंने देखा कि तुम बेहोश पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपने घर ले आऊं। वैसे आजकल तो कोई किसी की हेल्प करता नहीं है, तो फिर आप मुझे अपने घर क्यों लेकर आए? उसका जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? अजय। और आपका नाम? संजय। तो अजय, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है। अजय, मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में एक ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारी लाइफ में? इसके लिए आपको मेरी लाइफ की कहानी शुरुआत से जाननी होगी। अरे वाह यार, धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं, क्या बात है। थैंक यू सो मच माय बेस्ट फ्रेंड। हैप्पी बर्थडे अजय। ओह थैंक्स दीक्षित। अरे आज तो इतना जल्दी कैसे उठ गया? रोज तो 2-10 बार जगाता हूँ। अरे आज तो स्पेशल डे है भाई, आज तेरा बर्थडे है और देख मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। क्या बात है। देख। अरे वाह पेन तो देखना। थैंक्स दीक्षित यार, इसको मैं हमेशा संभाल कर रखूँगा। और हाँ एक बात बता दो, इस दुनिया में मेरा सबसे अच्छा कोई दोस्त है तो वो तू ही है। थैंक्स यार। ओ पापा का फोन। हेलो पापा। थैंक्स पापा। जी पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके भेजे हुए पैसे सोच समझ कर ही खर्च कर रहा हूँ। जी पापा। हाँ पापा। हाँ जी पापा, पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। जी पापा, आप अपना ख्याल रखना पापा। ओके पापा, थैंक यू पापा, बाय पापा। ओके अरे यार ये ब्रेकफास्ट करके तो जा। अरे नहीं यार, आज कॉलेज जल्दी जाना है। ये एक पाव पे खड़ा रहे, तू भी एक पाव पे। पाव ऊपर ले, बढ़ाओ। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अजय आज तो तेरा बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। विष्णु आज के बाद तू कभी भी कॉलेज में रैगिंग नहीं करवाएगा और जूनियर को परेशान भी नहीं करेगा। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, रैगिंग के बिना हर कॉलेज अधूरी है और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब ये बात पुरानी हो चुकी है और मैं इस सोच को बदलना चाहता हूँ। तू जिनके साथ रैगिंग करता है उन पर क्या बीती होगी, तूने कभी सोचा है? यार हमें मस्ती करने लिए तो आते। बस विष्णु बहुत हो चुका, तू कसम खा कि आज के बाद कभी भी कॉलेज में रैगिंग नहीं करवाएगा। ये मुझसे नहीं होगा। मैं तो तुझे अपना अच्छा दोस्त समझता था, मैं समझता था कि तू मुझे समझेगा, लेकिन तू तो कमी ना निकला। रुक जाओ बॉय, जस्ट स्टॉप। हम यहाँ लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आए, सिर्फ बात करने से बात बनेगी। लेकिन तू मुझे नहीं समझता। मैं समझना भी नहीं चाहता, मैं अपनी जगह सही हूँ। तुम गलत हो और मैं वो भी समझता हूँ कि तुम सुधरने वालों में से नहीं हो, क्योंकि तुम तो कमी नहीं हो। आज के बाद इस कॉलेज में रैगिंग हमेशा के लिए बंद। क्यों दोस्ती को दुश्मनी में बदलना चाहता है अजय? इतना भी ज़्यादा शरीफ होना नहीं चाहिए आदमी, क्योंकि वो सीनियर और जूनियर में फ़र्क भूल जाएंगे। मेरे हिसाब से यहाँ कोई सीनियर जूनियर नहीं, मैं चाहता हूँ कि सब यहाँ दोस्त बनकर रहे। अच्छा ये तू ठीक नहीं कर रहा यार। मैं अपनी जगह सही हूँ।
थोड़ी बहुत मस्ती चलती है यार। लगता है तू नहीं मानेगा। सच्ची में यार मैं नहीं मानने वाला, और अब हमेशा की तरह मुझे जो सही लगे वो मैं करूँगा। क्यों हमारी दोस्ती बिगाड़ रहा है छोटी सी बात के लिए? ये छोटी सी बात नहीं, तुम्हें पता है रैगिंग के वजह से कितने स्टूडेंट आजकल सुसाइड कर लेते हैं। तू क्यों हमारी दोस्ती के भी दीवार खड़ी कर रहा है? दीवार मैं नहीं, तू खड़ी कर रहा है। और विष्णु, आज से रैगिंग हमेशा के लिए बंद। कॉलेज में रैगिंग जारी रहेगी, क्या कर लेगा तू? बेटा अभी तो मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि यह बात लात तक पहुँच जाए। मैं तुझे फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, याद रखना फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। वो तो होना ही था, क्योंकि विष्णु गलत था। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन विष्णु ने कॉलेज में रैगिंग करवाने जारी रखी, पर इस बार विष्णु ने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी। अब वो लड़कियों से भी बदतमीजी करने लगा था, उसमें से एक लड़की वो भी थी। कौन? ईशा नाम था उसका, ईशा वर्मा। फिर से बोला, सुना नहीं दिया। ईशा वर्मा। जोर से बोला। ईशा वर्मा। अबे थोड़ा चिल्ला के बोल, सुनाई नहीं देता। एक थप्पड़ लगाऊंगी दूसरी बार जो मेरा नाम पूछा। ए रुक, रुकना। हाथ छोड़ मेरा, मैं तेरा सीनियर हूँ, जबान संभाल के बात कर, समझी ना? चल वहाँ खड़ी रहे। अब मैं जैसे कहूँगा वैसा तू करेगी, और अब तेरा सीनियर का आदेश है कि तू डांस कर। नहीं। क्या? मैं तेरी बात कभी नहीं सुनूंगी। अच्छा विष्णु, बस अब बहुत हो गया। अरे तू फिर से आ गया कबाब में हड्डी। बस बहुत हो चुकी बदतमीजी, चल अब चुपचाप इस लड़की से माफी मांग। माफी मांगना मेरे उसूलों के खिलाफ है। विष्णु मैं पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, इस लड़की से माफी मांग। मैं नहीं मांगने वाला। विष्णु तुझे माफी तो मांगनी पड़ेगी और हालत में। अबे जिला क्यों रहा, मैं नहीं मांगने वाला माफी, चल। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी लाइफ में इतनी मुसीबत आएगी जिसके बारे में तुझे सपने भी नहीं सोचा, ये बात तू याद रखना। साला तू नहीं सुधरेगा। ये सारा लड़ाई झगड़ा होने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल सर ने हमें अपनी ऑफिस में बुलाया, फिर मैंने और मेरे दोस्तों ने विष्णु के बारे में सर को सब बता दिया, और फिर उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर कोई मेरे पीठ के पीछे हमारे कॉलेज में विष्णु रैगिंग करवा रहा है तो उसके लिए शिकायत की जाए, कि विष्णु को हमेशा के लिए कॉलेज से बाहर निकाला जाए। प्रॉब्लम सॉल्व, आज से कॉलेज में रैगिंग हमेशा के लिए बंद। थैंक यू सर। अरे यार सर्वर मत कहो, हम सब बच्चे दोस्त बनकर रहेंगे। मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ। क्या? हम सब पक्के दोस्त बनकर रहेंगे। ओके ठीक है। आ गए भैया जी। आया। और क्या सर आज का कॉलेज? कुछ अच्छे दोस्त भी बने और दुश्मन भी। दुश्मन? कुछ झगड़ा हुआ था क्या कॉलेज में? बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ। लेकिन झगड़ा कैसे हुआ और क्यों हुआ? अरे यार वो सब बाद में बताता हूँ, पहले कुछ खा ले, बहुत भूख लगी है। ठीक है। जी नाश्ता कर। तूने विष्णु को पीटा और इसके दोस्तों को भी? हाँ यार। अकेले? हाँ यार, क्योंकि मैं कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उन लोगों को पीटा यार। तूने बहुत सही किया मेरे भाई, मैं भी रैगिंग के खिलाफ हूँ। वो जब जो ना नाश्ता कैसा लगा? हर बार की तरह सबसे अच्छा। थैंक्स यार।
अजय नाश्ता कैसा बना? एकदम बढ़िया। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं बस। आर यू श्योर? हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। तो एक बात बता कि आगे तेरी लाइफ में क्या हुआ? एक चौंका देने वाला फोन कॉल आया। क्या ये आप क्या कह रहे हो भाई साहब? क्या हुआ? विष्णु मर गया? पर ये आज कब हुआ? जी विजय भैया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं थोड़ी देर में वहां पर पहुंच गया। ठीक है, ओके। मेरे भाई विजय भैया दुखी मत हुई विजय भैया, जिसे जाना था वो जा चुका, वो लौट कर वापस नहीं आने वाला। मैं जानता हूँ कि वो वापस लौट कर नहीं आने वाला, लेकिन जैसा भी था कैसा भी कम ही ना था, लेकिन मेरा भाई था। मैं समझ सकता हूँ दुख और तकलीफ को, लेकिन अब आपको इस सच्चाई के साथ ही जीना पड़ेगा कि विष्णु अब इस दुनिया में नहीं रहा। विष्णु की पूरी तरह लाश चली गई, मुझे मिस्टर अभी का भी जा रहा था। दुखी मत होइए विजय भैया, संभालिए अपने आप को। मेरे सपने भी मैं नहीं सोचा ये ऐसा होगा। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। चल यार फटाफट नाश्ता कर लेता हूँ, नहीं तो कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। चिंता मत कर यार, नहीं लेट होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियांक पीएस न्यूज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि शहर में आ चुका है एक ब्लैक थीफ, यानी कि एक काला चोर, जो शहर के कई लोगों के घरों में चोरियां कर चुका है। हो सकता है कि इसका अगला निशाना आप हो, इसलिए मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं, और आप सबका सावधान रहना बहुत जरूरी है। मैं प्रियांक आप सबसे इजाजत चाहता हूं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पीएस न्यूज, खबर वही जो सच्ची हो। नमस्कार। पता नहीं साला कमीना कौन चोर है। अरे छोड़ना है, होगा कोई कमीना। चल भैया, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। अरे आ रहा, मुझे भी कॉलेज के लिए देर होगी। ठीक है। हाय सर। हाय, कैसे हो तुम? बहुत अच्छी। चलो फाइनली ये कॉलेज रैगिंग फ्री हो गया, ये अच्छा हुआ। वो भी अच्छा हुआ, वो विष्णु एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन अब विष्णु मर चुका है, उसके बारे में मत सोचो, भूल जाओ उसे। अब हमें सिर्फ एक ही बात पर ध्यान दें कि हमसे बच्चे दोस्त बन करें, ठीक है? ओके। चलो यार, मेरा लेक्चर का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय। आज मुझे ये बता दें, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि मेरे होना स्टूडेंट्स बहुत ही जल्द अपना ग्रेजुएशन पूरा करने जा रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। जिसका मुझे और मेरे दोस्तों को बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो पल आ ही गया। हम सब ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी थी और हमारे सारे सपने पूरे करने का समय आ चुका था, और मैंने फौरन ये खुशखबरी कर जाकर दीक्षित को सुनाई। सुनिए दीक्षित, आई एम ग्रेजुएट नाउ, ये देख सर्टिफिकेट। वाह भैया, कांग्रेचुलेशन, तूने बहुत अच्छा किया मेरा भाई। थैंक यू सो मच यार।
चल यार मेरे सर्टिफिकेट को अलमारी में निकाल दो। फिर मैंने अपने सारे दोस्तों को अपने घर बुलाया। ओ, हाय। कैसे हो? बस अच्छा हूँ। कॉलेज जाना है आज? नहीं नहीं आज कॉलेज नहीं जाना। आज कहीं घूमने के लिए चलते हैं। हाँ चलो। मैं क्या कहता हूँ हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ अच्छी सेल्फी ले सके। हाँ ठीक है ना। हाँ लेकिन घूमने जाएंगे कहाँ? वो तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ तैयारी करो। ठीक है मैं चलो चलो मैं ईशा को कहीं कराता हूँ। वहाँ जाने के लिए मैंने यही शर्ट पहना था। निकल गए? हाँ तो हम मिलते हैं कॉलेज के बाहर गेट के पास। ठीक है हम लोग साथ में ही जाते हैं। हेलो 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 कौन है? आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो कहाँ गए सब लोग? दीक्षित को फोन लगाते हो? अरे स्विच ऑफ आ रहा है? ईशा को लगा था। इसका भी स्विच ऑफ? वो क्या रहा है? और दोस्तों को लगा था फोन। इसका भी स्विच ऑफ? इससे वही अननोन नंबर। हेलो कौन बोल रहा है? बहुत परेशान हो गया होगा। कौन बोल रहा है तुम? तो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम अपने मरे हुए दोस्तों की लाशें देखोगे। मेरे बताए इस पते पर पहुंचे। क्या तूने मेरे सभी दोस्तों को मार डाला? हाँ अजय हाँ मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को मौत की नींद सुना दी। तुम अकेले हो गए हमेशा के लिए। अपने दोस्तों की लाशें देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचो। कौन है तू हरामजादे? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे मार डालेगा।
पर उसके लिए तुझे यहाँ आना। किस जगह है तू मुझे बता। दीक्षित, ईशा, ये सब क्या हो गया? कौन हो तुम और मेरे दोस्तों को क्यों मारा? हरामजादे, विष्णु तू भी जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ, तुमसे बदला लिए बगैर मैं कैसे मर सकता हूँ? विष्णु तूने मेरे दोस्तों को मार डाला? हाँ, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों को मैं जिंदा देखना नहीं चाहता था, और तुम्हारे दोस्तों की मौत हुई है तो इस चाकू से। हाँ और एक बात, ये जो तू इम्पोर्टेड पेपर दिख रहा जो मैं जला रहा हूँ वो किसके है तुझे पता है? तेरे। मैं तेरे घर गया, पत्र का ताला तोड़ा और मैं तेरे इम्पोर्टेड पेपर को चोरी किया और यहाँ के मैंने सब पेपर जला दिए। मैंने अपने आदमी भेजे और तेरे दोस्त को किडनैप किया और यहाँ लाके सबको मार दिया। मुझे हर हाल में तुम लोगों से ही बदला लेना चाहता था। तेरी दुश्मनी मुझसे थी तो मेरे दोस्तों को क्यों मारा? मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं, तुम सबसे थी, क्योंकि तुम सबने मेरी कॉलेज में बेइज्जती की और मुझे कॉलेज से निकाला था। तेरी बेइज्जती इसलिए हुई क्योंकि तू एक कमीना आदमी है और अब मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। कमीने उठ। मैंने नहीं मारा इन सबको, ये विष्णु ने मारा है सबको, मैंने नहीं मारा सबको। तो ये सब क्या है? ये सब लाशें किसकी है? ये मैंने नहीं मारा, ये सब तो मेरे दोस्त है। रुक, हम तुम्हारी खबर तो पुलिस को देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। चलो इसकी खबर तो हम पुलिस को देंगे। चलो। अरे नहीं नहीं, किसी और ने किया और इल्जाम मुझ पर लगे। विष्णु ने मेरे दोस्तों को मार डाला और उन दोनों लड़कों को पूरी सच्चाई मालूम ही नहीं थी। उन दोनों लड़कों की नजर में मैं एक मर्डरर हूँ। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। ओह माय गॉड, मेरी सारी जिंदगी अब तबाह हो चुकी है। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए। तुमने अपने पापा को सच्चाई बताई? मैं उन्हें बताना चाहता था, लेकिन विष्णु के साथ लड़ाई होते वक्त शायद मेरा फोन वही गिर गया होगा और फिर मैं उस जगह वापस जा भी नहीं सकता है, क्योंकि पुलिस कभी भी वहां पर पहुंच सकती थी। तुम मेरे फोन से अपने डैडी से बात कर लो। लेकिन इसकी वजह से आप भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। पुलिस अगर किसी भी तरह मेरे डैड तक पहुंच गई
और अगर मैंने आपके फोन से डेड से बात की तो आप भी बिना वजह पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हो, क्योंकि मोबाइल फोन स्ट्रेच भी किए जा सकते हैं और लोकेशन का पता भी लगाया जा सकता है। तो मैं भी अरेस्ट हो सकता हूँ और आप भी। तो मैंने सोच समझ कर ही फैसला लिया कि मैं डेड को फोन नहीं करूँगा। ओके, आपने मेरी मदद की, आपने मुझे अपने घर पर सहारा दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम तकलीफ में थे, ये मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। मैंने अपने करियर के लिए काफ़ी कुछ प्लान कर कर रखा था, लेकिन अब सब बर्बाद हो गए। तो अब क्या करोगे तुम? ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तुम चाहो तो मेरे घर पर हमेशा के लिए रह सकते हो। नहीं, मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता। अरे तकलीफ कैसी, हो सकता है आगे कुछ मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ? नहीं, अब मैं अपनी लाइफ की परेशानी को अकेले झेलूँ तो अच्छा है। ओके ओके, मैं आज ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। अजय, क्या सोच रहे हो? बस सोच रहा हूँ कि अब तो मैं ये शहर छोड़ कर जा रहा हूँ, लेकिन आने की लाइफ कहाँ और कैसे बिताऊंगा? तू फिक्र मत करो अजय, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी ये सब मुझे भुगतना पड़ रहा है। तुम्हारा शहर छोड़ने का डिसीजन एकदम करेगा। अपना नाम बदलो, अपना लुक बदलो और अपनी पहचान करो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। ऑल द बेस्ट अजय, ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परिमल सोलंकी। आपको मेरी मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और न्यू अपडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।